देन हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला के बारे में कुछ पढ़ा, उससे के रिलेटेड कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हमने देखे, ठीक है। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उससे पहले मैं कुछ डेफिनेशन टाइप में कुछ लिखवा देता हूँ तुम्हें, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ये सब बातें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सभी को पता है कि दो मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक थर्ड, एक नया प्रोडक्ट की फॉर्म में एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, उसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इट इज द प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं, टू और मोर देन टू सब्सटेंस, टू और मोर देन टू सब्सटेंस इंटरैक्ट विथ ईच अदर, इंटरैक्ट विथ ईच अदर वेयर, अच्छा इतना नहीं लिखते वेयर, ये सब छोड़ो, इंटरैक्ट विथ ईच अदर एंड फॉर्म सम न्यू सब्सटेंसेस, न्यू सब्सटेंस और सब्सटेंसेस, मतलब या तो एक सब्सटेंस बनाएगा, एक से ज्यादा सब्सटेंस वो बना सकता है ना। तो ये जनरल केमिकल रिएक्शन होता है, इतना समझ आता है। हाँ सर, एक बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्वेशन, इक्वेशन क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं व्हेन द केमिकल रिएक्शन, व्हेन द केमिकल रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड, इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये केमिकल फार्मूला से अगर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे क्या होती है केमिकल इक्वेशन, जैसे मान लो मैंने लिखा N2 गैस था, उसने H2 गैस से रिएक्शन करा और क्या बना लिया, NH3 गैस बना लिया, तो एक मेरा केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, कि N2 गैस था, उसने H2 गैस से रिएक्शन करा और NH3 गैस बना दी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला था और प्रोडक्ट का केमिकल फार्मूला हमने बना दिया, ये चीजें तुमने पहले भी पढ़ी होगी, पढ़ी है, बोलो। यस सर। अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब है हमें कुछ नहीं करना, हमने सिंपली केमिकल जो हमारी रिएक्शन हमने लिखी उसको बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, हम बोलते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज वन केमिकल इक्वेशन इन विच इज वन केमिकल इक्वेशन विच कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट एंड इक्वल चार्ज ऑन बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन। मतलब बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, हमने क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों साइड में एटम्स का नंबर सेम करना पड़ेगा।
तो देखो मैंने ऊपर एक केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, एन टू प्लस एच टू गिव्स एन एच थ्री, क्या इक्वेशन बैलेंस है? नो नहीं है ना बैलेंस? बैलेंस है या नहीं ये तो चेक कर सकते हो, इतना तो आता होगा सर। हाँ सर आज कोई टेस्ट है? टेस्ट है सर, मतलब मुझे अभी जब क्लास चालू हुआ तब अभी एक मैसेज आया कि 4:30 to 5:30 कोई तो टेस्ट है रिजल्ट से। कहाँ से आया मैसेज, किसने किया है? सर मैं व्हाट्सएप पे नहीं आया, एसएमएस आया। किसने किया है मैसेज? मैसेज को ऊपर बताओ क्या लिखा आया है। रेजोडम, रेजो बी आर रेजो एस एम। नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, फिर छोड़ो वो रेजोनेंस कोटा से आया होगा वो, फिर छोड़ो। अब देखो N2 गैस और H2 गैस से NH3 गैस बना है, ठीक है? तो मुझे बताओ क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है? नहीं है सर। नहीं है। तो तुम बैलेंस कर सकते हो इक्वेशन को? हाँ सर। करके बताओ क्या होगा सर? N2 plus 3H2 gives 2NH3। अब देखो बैलेंस करने का कोई फंडा नहीं होता, हमें सिंपल कॉमन सेंस से इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगा, हमें सिंपली कॉमन सेंस से हमारे इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैंने इक्वेशन बैलेंस किया, N2 plus 3H2 gas gives 2NH3 gas, तो इक्वेशन बैलेंस हो गया, ठीक है? एक इक्वेशन और लिखता हूँ मैं, बैलेंस करके बताना। मैंने लिखा H2 gas plus O2 gas gives 2H2O, सॉरी 2 नहीं होगा, H2O gas। अब बताओ इसको क्या बैलेंस करेंगे? हाफ O2 या तो हाफ O2 कर दो, पर हम लोग कभी हाफ वगैरह ऐसा नहीं करते, तो हम लिखते हैं 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2। अभी बैलेंस हो गया? हाँ सर। एक और लिख के देता हूं, उसको बैलेंस करके बताना। मैंने लिखा C3H8 गैस प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस प्लस H2O गैस, उसको बैलेंस करके बताओ। सर सी थ्री एच एट प्लस फाइव ओ टू गिव थ्री सी ओ टू प्लस फोर एच टू, ठीक है? देखो बैलेंस करने का तरीका क्या होगा, इधर कार्बन थ्री है, रिएक्टेंट साइड में कार्बन थ्री है, प्रोडक्ट साइड में सीओ टू में एक ही कार्बन है, तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दो। अब रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन एट है, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन टू ही है, तो एच टू ओ को फोर से मल्टीप्लाई, H2O को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखो, प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन हो गया 3 into 2, 6 plus 4, 3 into 2, 6 plus H2O का 4, तो 10, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 हो गया, बैलेंस हो गया इक्वेशन। हाँ सर। ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का नाम सुना है कभी? नहीं सर। यस सर। नहीं सुना? नहीं सुना या सुना है, मैं नोट डाल के लिखवा देता हूँ, है ना? मैं क्या लिखता हूँ, मैं एक जनरल केमिकल इक्वेशन लिखता हूँ, जनरल केमिकल इक्वेशन। जनरल केमिकल इक्वेशन कैसे लिखता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ, ए ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। अब कौन क्या है ध्यान से सुनना, ए और बी क्या है? ए और बी मेरे रिएक्टेंट है, नोट डाल के लिख रहा हूं, ए और बी क्या है? मेरे रिएक्टेंट है। सी और डी क्या है? कैपिटल सी और कैपिटल डी प्रोडक्ट।
प्रोडक्ट है ना। अब ए क्या है, बी क्या है, छोटा वाला सी क्या है, छोटा वाला डी क्या है ना। एक्चुअल में ये सारे स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट ऑफ ए। ए रिएक्टेंट था, उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट था। ऐसे ही बी क्या है, बी स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है बी का। सी क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है सी का। डी क्या है, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशियंट है डी का। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा, ध्यान से सुनना, मैंने लिखा N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें रिएक्टेंट कौन है, N एंड टू एंड एच टू, पूरा बोलेंगे N और H नहीं, N2 एंड H2। प्रोडक्ट कौन है, NH3। अब स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट की बात करते हैं ना, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 क्या होगा, वन। स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ N2 वन है, H2 का 3 है और 2 NH3 का 2 है, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। अब इसका सेंस क्या है, इस इक्वेशन का सेंस क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का मतलब क्या है, उसका मैं मतलब बता देता हूं तुम्हारे को। मतलब देखो, ध्यान से सुनना, तो मैं उसको यहां पर स्टार मार्क करके लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वन मोल ऑफ N2 रिएक्ट्स विथ थ्री मोल्स ऑफ एच टू एंड फॉर्म व्हाट, टू मोल्स ऑफ NH3। समझ गए, इस इक्वेशन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इस इक्वेशन को ऐसे पढ़ा जाएगा कि एक मोल N2 थ्री मोल H2 से रिएक्ट करके टू मोल अमोनिया का बनाता है। इतनी बात समझ आ गई, ये सारे पॉइंट नोट में लिख रहा हूं मैं, इतनी बात समझ आती है। यस सर। अब एग्जाम्पल नंबर टू में मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं, बट मान लो मैं इस पूरी इक्वेशन को थ्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्या बनेगा, थ्री एन टू गैस प्लस नाइन एच टू गैस गिव्स सिक्स एन एच थ्री ऑफ गैस। अब मैं इसको कैसे रीड करूंगा, कैसे रीड करूंगा इक्वेशन को, ठीक है, तो हम लिखते हैं थ्री मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद नाइन मोल्स ऑफ H2 एंड गिव्स एंड ऐसा लिख देते हैं फॉर्म एंड फॉर्म सिक्स मोल्स ऑफ एन एच थ्री गैस। तो ऐसे हम लोग इक्वेशन को पढ़ते हैं ना, बट इक्वेशन की कंडीशन क्या है, इक्वेशन बैलेंस होना चाहिए, ये सारी इक्वेशन बैलेंस है ना। तो इसमें मैं लिख देता हूँ जो जनरल केमिकल इक्वेशन लिखी है ना, उसमें मैं स्टार के एक पॉइंट लिख देता हूँ, जो जनरल केमिकल इक्वेशन है ये क्या है, मस्ट भी लिखते हैं ना, मस्ट बी बैलेंस्ड, बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंडा है, जो इक्वेशन में या फिर जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो क्या है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो न्यूमेरिकल्स में यूज होगा उसके लिए पढ़ते हैं हम लोग क्या, मोल मोल एनालिसिस, जो इक्वेशन में हमारे पास यूज होगा, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं मोल मोल एनालिसिस में, ध्यान से सुनना मेरी बात, हम लोग लिखते हैं क्या, हमने लिखा जनरल केमिकल इक्वेशन, हमने क्या लिखा, एक जनरल केमिकल इक्वेशन लिखा, जनरल केमिकल इक्वेशन। तो हम क्या लिखते हैं जनरल केमिकल इक्वेशन, ए ए
प्लस बी बी गिव्स सी सी और डी डी. जो छोटे वाले एबीसीडी है वो क्या है? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ये सभी को पता है. yes. ठीक है, तो हम इसमें देखो क्या लिखते हैं. हम लोग लिखते हैं, अच्छा इसमें रिएक्शन जब होगी तो कौन ऐसे होंगे जो खत्म होंगे, मतलब टाइम के साथ जो कंज्यूम होंगे वो कौन है? लिमिटिंग रिएजेंट. अरे भाई जितना पढ़ा है उतने ही आंसर दो. कौन है जो टाइम के साथ कंज्यूम होंगे? रिएक्टेंट. रिएक्टेंट टाइम के साथ कंज्यूम होंगे, ए एंड बी. और जो टाइम के साथ फॉर्म होंगे वो कौन है? सी एंड डी. तो ए और बी मेरे रिएक्टेंट है, वो रिएक्ट करेंगे, और जो फॉर्म होंगे वो सी एंड डी है ना. तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं मोल्स ऑफ ए रिएक्टेड डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू, ये सारे इक्वल में एक साथ है ना, नीचे लिख दिया मैंने, मोल्स ऑफ सी फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी फॉर्म्ड. यहाँ पर फॉर्म्ड क्यों लिखा है? क्योंकि वो प्रोडक्ट है. और ऊपर रिएक्टेड क्यों लिखा था? क्योंकि वो रिएक्टेंट था. तो ए के जितने मोल रिएक्ट होंगे डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी फॉर्म डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी फॉर्म डिवाइडेड बाय डी. हमेशा इस फंडे को हमें यूज करना है, ठीक है, हमेशा ये फंडा हमें यूज करना है कोई भी हमारे पास क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, इस फंडे को हमें यूज करना है, ये एकदम याद रख लो. पूरी केमिस्ट्री के अंदर, पूरी केमिस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली बात है ना. बट इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन क्या है इसके अंदर, कब यूज होगा? ये होगा रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड. रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड होना चाहिए तभी हम लोग इसको यूज करेंगे. समझ गए? बोलो. यस सर. यस सर. अब देखो है क्या सीन, रिएक्शन मेरा बैलेंस होना चाहिए. ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस करो, देन हम लोग लिखते हैं ए के मोल्स जितने रिएक्ट हुए डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी रिएक्टेड डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी फॉर्म डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ डी फॉर्म डिवाइडेड बाय डी. ठीक है, अब एग्जांपल्स करते हैं, एग्जांपल से ही सारा फंडा क्लियर हो. जितने क्वेश्चन करोगे उतना ही कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगी. मोल कॉन्सेप्ट में तो थ्योरी है ही नहीं, मोल कॉन्सेप्ट के साथ चैप्टर में थ्योरी है ही नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन से ही सब कुछ क्लियर होगा. तो अब क्वेश्चन करते हैं वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर वन, हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं थ्री मोल्स ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड हाउ मैनी एक सेकंड रुके. व्हेन हीटेड हाउ मैनी मोल्स ऑफ KCl एंड O2 प्रोड्यूस्ड. हाउ मैनी मोल्स ऑफ KCl एंड O2 आर प्रोड्यूस्ड. ऐसा बोला है कि थ्री मोल्स KClO3 को हीट करते हैं तो कितने मोल KCl और O2 के प्रोड्यूस होंगे. इक्वेशन तुम्हें दे रखी है, अब जरूरी नहीं हो इक्वेशन बैलेंस हो, अगर नहीं हो तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी. तो इक्वेशन में लिख के दे देता हूँ. इक्वेशन इज KClO3 को हीट किया, हीट को ऐसा ट्राइंगल बना के बताते हैं, गिव्स KCl प्लस O2. चलिए करिए और मुझे बताइए आंसर. टू टू थ्री का मतलब क्या है? टू के सी एल ओ थ्री, टू के सी एल प्लस थ्री ओ टू. टू के सी एल और थ्री ओ टू, क्या सभी का यही आ रहा है? सर मेरा सिक्स के सी एल और नाइन ओ टू आ रहा है. सिक्स के सी एल और नाइन ओ टू.
भैया दिमाग ज्यादा KCl और 9/2 O2। यस अभी करेक्ट है। तो देखो सॉल्यूशन, फर्स्ट थिंग इज वी हैव टू बैलेंस दिस गिवन इक्वेशन, हमें बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस में डायरेक्टली कर देता हूँ, क्या बैलेंस करके मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3O2, ऐसे लिख सकता हूँ बैलेंस करके। बैलेंस करना आना चाहिए, नहीं हो रहा तो तुम कैसे भी तिगड़म लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ, कैसा भी लॉजिक लगाओ, बैलेंस करना आना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको बैलेंस करना बिल्कुल नहीं आता कि भाई मुझसे तो बैलेंस हो ही नहीं सकता। क्या तेरे को नहीं आता? नहीं सर। नहीं आता क्या? नहीं सर। अरे भाई क्या करके आए हो टेंथ में, फिर कुछ तो पढ़ाई होगा। देखो इस इक्वेशन को मैं बैलेंस करना बता रहा हूँ, उसके बाद कभी नहीं बताऊंगा, मेरा तरीका तुम अच्छे से देख लेना। देखो इक्वेशन क्या दे रखा है, KClO3 gives KCl plus O2। एक एक को अच्छे से देखो, क्या दोनों तरफ पोटेशियम के बैलेंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में? हाँ सर। Cl बैलेंस है? हाँ सर। ऑक्सीजन बैलेंस है? नहीं। रिएक्टेंट साइड में 3 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो इसको मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो अब बैलेंस हो गया। हाँ सर। अब 3/2 ऐसा लिखना अच्छा नहीं लगता, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 into this, तो फाइनली इक्वेशन क्या आएगा, 2KClO3 gives 2KCl plus 3O2। अब समझ आ गया? हाँ सर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या बाय मोल मोल एनालिसिस कि मोल्स ऑफ KClO3, मैं ऐसे ही लिखूंगा, बार बार पूरा नहीं लिखूंगा, N नीचे KClO3, N का मतलब मोल्स होता है, KClO3 मतलब KClO3 के मोल्स, मोल्स ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू मोल्स ऑफ KCl डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 3, लिख सकता हूं। बोलो। हाँ सर। यस सर। बस अब यहाँ से निकाल लो, यहाँ से देखो पहले इन दो को इक्वेट करेंगे तो मोल्स ऑफ KCl कितना आएगा, मोल्स ऑफ KCl आएगा 3, ऐसे मोल्स ऑफ O2 निकालोगे तो वो कितना आएगा 3/2 into 3, ये 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या आएगा 9/2, सिंपल है। नहीं आ रहा क्या समझ? मतलब ये जो इक्वल टू फॉर्मूले से हमें n की वैल्यू पता चलेगी KCl और O2 की। हाँ तो n की वैल्यू पता लगानी है, तो और क्या पता लगाना चाहते हो? समझा सर। किसी को और कोई डाउट है तो बोलो यार, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो कोई डाउट है किसी को? मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का, इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। नहीं है डाउट, हम लोग आगे चले? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, कैलकुलेट, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वाटर, ब्रैकेट में लिख रहा हूं गैस की बात करें, वाटर गैस प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 24 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना। अब देखो कभी भी तुम्हें डायरेक्टली ना वो इक्वेशन लिख के नहीं दे देगा कि भाई ये री इक्वेशन अब मोल मोल एनालिसिस लगा दो, नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा। वो दिमाग कैसे लगाओगे? अब मीथेन क्या होता है, मैं इक्वेशन लिखने का तरीका बता रहा हूं ताकि तुम आगे का काम कर लो। मीथेन क्या होता है? CH4, है ना, मीथेन एक CH4 होता है। कंबशन का मतलब क्या होता है? ब्लास्ट प्लस O2। कंबशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज का कंबशन करना है, मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं, ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करवा रहे हैं, है ना, कंबशन का मतलब ही होता है। और कभी भी हाइड्रोकार्बन में, जैसे CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है,
हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन, तो कभी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करते हैं तो हमेशा क्या मिलता है? CO2 plus light plus heat. CO2 plus H2O gas, है ना? कभी भी हाइड्रोकार्बन का ऑब्वियसली किसी का भी कंबशन करो हीट तो मिलेगा ही मिलेगा, ये तो ठीक है, हमें तो सिर्फ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट पे फोकस करना है, ठीक है? तो हाइड्रोकार्बन मीथेन था, उसका कंबशन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन करा, और हाइड्रोकार्बन का कभी भी कंबशन करोगे तो हमेशा CO2 और H2O निकलेगा। तो जो नॉर्मल जनरल इक्वेशन था वो लिख दिया, अब इसको बैलेंस करो और आंसर निकाल के बताओ। सर 54। ओके, बाकी लोग भी करो। हो गया सर, हो गया। चलो देखो, मैं रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने CH4 गैस लिखा, मीथेन था, उसका रिएक्शन O2 के साथ हुआ तो CO2 बना गैस और H2O बना गैस। अब देखो कार्बन दोनों तरफ बैलेंस है, एक इधर भी एक कार्बन CH4 में, इधर भी एक कार्बन CO2 में, हाइड्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है क्या? इधर चार, इधर चार हाइड्रोजन है, उधर H2O में दो ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। बोलिए। यस सर। ऑक्सीजन देखो, CO2 में दो ऑक्सीजन, H2O में दो ऑक्सीजन, तो टोटल चार, और O2 में दो ही है, तो इधर भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। यस सर। ठीक है, अब सबसे पहले मोल्स निकालता हूं मैं, मोल मोल एनालिसिस मुझे पता है, तो मोल्स का सबसे पहले रिक्वायरमेंट होगा, तो हम लोग निकालते हैं सबसे पहले मोल्स, मोल्स ऑफ CH4 के मोल क्या होंगे? ग्राम में वेट जो गिवन है 16 अपॉन इसका जो मॉलिक्युलर मास होता है वो होता है 16, ग्राम में वेट 24 गिवन था, मॉलिक्युलर मास होता है 16, तो मोल्स कितने आए यहां से? 1.5 मोल्स, ऐसा बोल सकता हूं? Yes, sir. अब देखो बार बार पूरा इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं है, हमें जो चाहिए और जिस पे हमें फोकस करना है वही लिखना है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मुझे मीथेन का मोल पता है तो मोल्स ऑफ मीथेन डिवाइडेड बाय 1, और CH2O का मोल चाहिए तो सिर्फ उसी को लिखो, बाकी सबको मत लिखो, तो मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि बैलेंस इक्वेशन ये है, उसी को देख के लिखना पड़ेगा, तो H2O का ही अमाउंट चाहिए था तो मैंने लिख दिया, बोलो इतना ठीक है? बोलो यार। ठीक है सर। चलिए, तो ये था 1.5 डिवाइडेड बाय 1, मोल्स ऑफ H2O डिवाइडेड बाय 2, तो यहां से मोल्स ऑफ H2O कितना आया? 3 मोल्स। अमाउंट मतलब मास की बात कर रहा है, अमाउंट ऑफ H2O, तो अमाउंट ऑफ H2O मास कितना होगा? उसका मोल्स इनटू उसका मॉलिक्युलर मास 18, तो यहां से कितना आएगा? 15 ग्राम, ये मेरा आंसर हो जाएगा, 54 ग्राम। समझ गए बात को? समझ गए क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। चलिए अब देखो, एक एक चीज मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, ये तो मैंने मोल मोल एनालिसिस से किया है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये तो मैंने मोल मोल एनालिसिस से किया, बट मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। कैसे? डायरेक्टली करने का भी एक मेथड बताता हूँ, है ना, वो तो वैसे यूज नहीं लेना है, बट छोटा मोटा कहीं करना हो तो यूज ले सकते हो। तो अल्टरनेट मेथड मैं बताता हूँ, है ना, वो ट्रिकी मेथड है, तो ट्रिकी मेथड भी हमें आना चाहिए, आफ्टर ऑल हम लोग JEE का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ट्रिकी मेथड भी आना चाहिए। तो ट्रिकी मेथड के लिए भी हमारे को क्या होना चाहिए? हमारे को एक बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है। तो पहले मैं एक चीज तुमसे पूछूंगा, देन फिर मैं बताऊंगा। ये मेरा बैलेंस इक्वेशन था, तुम मुझे बताओ इस इक्वेशन को देखकर 1 मोल मीथेन का कंबशन होता है तो कितने मोल वाटर मिलता है? 2 मोल। 2
तो वन मोल मीथेन से कितने मोल वाटर मिला? टू मोल्स, ठीक है। बट एक्चुअली मीथेन का मोल कितना था? 1.5। तो 1.5 मोल्स मीथेन से कितना मोल वाटर मिलना चाहिए? 3। 2 इंटू 1.5 मतलब 3 मोल्स। तो ये ऑल्टरनेट मेथड है, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। क्या किया मैंने, वो नोट में एक पॉइंट लिखवाया था ना, ये वाले देखो नोट वाले पॉइंट, तो ये नोट वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। इतने मोल से इतना बन रहा है तो उतने मोल से कितना बनेगा, वैसा ही है कि 1 रुपए में इतना टॉफी आता तो 10 रुपए में कितना टॉफी आएगा। अब जैसे मान लो मैं तुमसे पूछता इसी क्वेश्चन में कि बताओ 5 मोल्स CH4 से कितने मोल वाटर बनता, 5 मोल मीथेन से 10, ठीक है। तो ऐसे भी तुम लोग कर सकते हो, बट ऐसा है ना, अभी करने का ट्राई ना करें, अभी मोलमोन एनालिसिस का ही यूज करें। मेरा अभी के लिए सजेशन ये है, जब तुम मोलमोन एनालिसिस में एकदम परफेक्ट हो जाओ ना, तब अल्टरनेट मेथड का यूज करो। पहले जो ऑथेंटिक मेथड है वो सीखो, जब वो हो जाए देन अल्टरनेट मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में लिखता हूं ना, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेंड व्हेन CaCO3 इज स्ट्रॉन्गली हीटेड एंड 5.6 liter of CO2 gas is produced at STP. ये क्वेश्चन है ना, इक्वेशन भी मैं दे देता हूं। इक्वेशन क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट था जो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम का ऑक्साइड मिलता है जो भी सॉलिड होता है, और एक CO2 गैस मिलती है। अब जितना भी तुम्हारे में दिमाग है वो लगाओ और क्वेश्चन करो बस। बताइए, सर। यस सर, 25 ग्राम। रेजिड्यू का मतलब गलत समझे हो, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो एक बार। 0.25 क्या बोल रहे हो? 14 ग्राम। यस करेक्ट है, 14 ग्राम आएगा। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, हमें कभी कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि किसका निकालना है, थोड़ा तो घुमा फिरा के देगा ही क्वेश्चन को, ये मान के चलो। क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द वेट ऑफ रेजिड्यू ऑब्टेन व्हेन दिस इज हीटेड। तो CaCO3 को हीट कर रहे हैं ना, तो दो चीजें मिल रही है। रेजिड्यू का मतलब है जो बच जाता है ना लास्ट में। अब CO2 गैस तो उड़ जाएगी, बचेगा कौन? कैल्शियम का कार्बोनेट। So this is, ये मेरा रेजिड्यू है ना। अब मोल एनालिसिस पढ़ा है तो मोल तो निकालो पहले। हम लोग निकालते हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है उसका मोल्स।
तो मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकालेंगे? 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4 मतलब 1/4 मोल्स. क्लियर इतना? यस सर. अब मोल्स कैल्शियम CO2 का मोल दे रखा है, CA कैल्शियम ऑक्साइड के मोल के बारे में बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1. तो मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आएगा? ये भी 1/4 मोल्स आ जाएगा. ठीक है. अब अमाउंट पूछा है या फिर वेट? वेट ऑफ रेजिड्यू हमसे पूछा है, मतलब वेट ऑफ CaO ही तो पूछा है. तो वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना होगा? इसका मोलर मास इनटू इसका मोल, तो यहाँ से कितना आएगा? 14 ग्राम. सर इसमें इक्वेशन समझ गए करेंगे क्या? इक्वेशन को बैलेंस नहीं करेंगे इक्वेशन में? तो मुझे पहले देख के बता जो गिवन इक्वेशन है वो बैलेंस है या नहीं. वो बैलेंस करने के बाद मेरा इक्वेशन आ जाता है. क्या बैलेंस किया तूने बता? इक्वेशन 6CaCO3 gives 6CaO plus 3CO2. अरे भाई मेरे जो बैलेंस इक्वेशन जो गिवन है वो ऑलरेडी बैलेंस है. तूने क्यों बैलेंस किया? एक बार देख तू सही ध्यान से, उसमें बैलेंस क्यों नहीं लगी तुझे? कैल्शियम कितना है दोनों साइड में ये बता. एक है. कार्बन कितना है दोनों साइड में? दो. अबे कैल्शियम को जो ये लिखा है कैल्शियम, ये वो वाला कार्बन नहीं है, इसको कार्बन नहीं मानना है. ये रहा एक कार्बन, ये रहा CO2 के अंदर है वो कार्बन, वो ये रहा, और ये रहा CoC3 में ये एक कार्बन है. तो एक 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 कार्बन है दोनों में. हाँ. ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन दोनों साइड में, प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों में ऑक्सीजन बता. 3. 3-3 है दोनों साइड. हाँ. तो वो ऑलरेडी बैलेंस है, जरूरी नहीं हो हमेशा बैलेंस करना पड़े, कभी कभी बैलेंस भी गिवन होता है. क्वेश्चन लिख रहा हूं वापस एक और. हाउ मैनी लीटर ऑफ O2 एट STP इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन? फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C5H10. अब देखो ये एक हाइड्रोकार्बन है, उसका कंबशन करना है तो CO2 और H2O मिलेगा. तो इक्वेशन मैं नहीं लिख रहा, सब कुछ तुम्हें ही करना है. इतना ही क्वेश्चन गिवन, इक्वेशन दे ही नहीं रखा. अब हाइड्रोकार्बन का कंबशन मैंने पढ़ाया है, अब करके बताओ. Thank you.
77.4 लीटर. 77.4 नहीं, रॉन्ग है. 77.4 तो नहीं आएगा. और बताओ, और कोई बताओ क्या आएगा. 336. हाँ, कैलकुलेशन में एरर है तुम्हारे, कुछ तो सिली मिस्टेक किया तुमने. 168. हाँ यस, 168 आएगा. देखिए कैसे होगा क्वेश्चन. C5H10 है, ठीक है. हमारे पास क्या है, C5H10 है. अब C5H10 है, इसका कंबशन हमने करना है. तो मुझे पता है क्या मिलेगा, सॉरी पहले नहीं लिखता हूं मैं, मुझे क्या पता है क्या मिलेगा, CO2 एंड H2. अब देखो C5H10 में 5 कार्बन है, तो यहाँ पर 5 CO2, और इधर 10 हाइड्रोजन है, तो इधर भी 5H2, क्योंकि 5 × 2 = 10 हो जाएगा. अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं. ऑक्सीजन कितना है प्रोडक्ट साइड में, 15. तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 15 by 2. तो ये by 2 अच्छा नहीं लगता, तो हम लोग इसको कंप्लीट रिएक्शन को ही 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो रिएक्शन क्या बनेगा, कैसा बनेगा रिएक्शन. यस सर. अब देखो C5H10 का मोल गिवन है और O2 के बारे में हमें पूछा है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, मोल्स ऑफ C5H10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी मोल्स कितना पड़ेगा ना, तो मोल्स की फॉर्म में लिखो इसको. हम लोग क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ C5H10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 50, ऐसा लिखेंगे. तो मोल्स ऑफ C5H10 1 है, डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O2 डिवाइडेड बाय 50. तो यहाँ से मोल्स ऑफ O2 कितना आएगा, 7.5. ठीक है, ये कितना आया, ये तो मोल्स आया, बट एक्चुअल में हमें तो वॉल्यूम चाहिए. तो वॉल्यूम इन लीटर्स एट STP कितना आएगा, 7.5 × 22.4, ऐसा ही करेंगे. यहाँ से आएगा 168 लीटर्स, समझ गए. यस सर. यस सर. किसी को कोई डाउट तो नहीं है. चलिए और क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आएगा. क्वेश्चन यार मैं सोच रहा हूँ कैसे लिखूं, एक सेकेंड रुको. हाँ मैं लिखता हूँ, when NaHCO3 is heated, when NaHCO3 is heated, 1.8 × 10⁴ molecules of water are obtained. Find the volume of CO2 gas obtained at STP and amount of NaHCO3 needed for this reaction. अब रिएक्शन क्या है, रिएक्शन रफ रिएक्शन में लिख देता हूँ, बैलेंस वगैरह तुम कर लेना. NaHCO3 है, उसको हीट करेंगे तो Na2CO3 plus CO2 plus H2O मिलता है. करो भाई बताओ क्या होता है. सर ये NaHCO3 हाइड्रोकार्बन है.
उससे क्या मतलब है तुझे? पहले तो ये बता, पहली चीज तो ये, दूसरी चीज हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन का मतलब ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हो, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है वो हाइड्रोकार्बन। सर हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ CO2 67.2 और अमाउंट ऑफ NaHCO3 504। ओके करेक्ट है, बाकी लोग भी करो। देखो हाँ, क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, सबसे पहले तो इक्वेशन है जो मैं अगेन लिख देता हूँ। अब मुझे बैलेंस करना आना चाहिए और बैलेंस जल्दी से जल्दी करना सीख लो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बैलेंस करने के लिए। तो मैंने बैलेंस कर दिया इक्वेशन, तुम देख लेना इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या है, हमें मॉलिक्यूल्स गिवन है व्हेन दिस इज हीटेड, है ना। तो सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, मोल्स निकालो पहले, तो मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ NaHCO3। तो मोल्स क्या आएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो गिवन होते हैं उसको किससे डिवाइड करना है, Na से, मतलब 6 × 10⁻²। 6.022 नहीं लिखा है, कैलकुलेशन इजी हो इसलिए मैंने 6 ही लिख दिया। तो यहाँ से मोल्स कितना आएगा, ये मोल्स ऑफ वाटर होगा ना। अच्छा सॉरी, वाटर लिखा है क्या, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं, मोल्स ऑफ वाटर निकाल रहे हैं हम लोग। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना आएगा, 3 मोल्स। इतना फंडा क्लियर है, 3.4 ना, 3.4 कौन सी कैलकुलेशन है, 2.9। अरे भाइयों मेरे, मैंने 6.022 को अप्रोक्स 6 मान लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन इजी रहे, ठीक है। अभी okay, तुम कैलकुलेटर लेके बैठे हो इसलिए धड़ा धड़ा आंसर दे रहे हो, अभी कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं होगा तो ये सब चीजें करनी पड़ेगी। तो इतना हमेशा अपने माइंड को ऐसा ही प्रिपेयर रखो कि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ठीक है। अभी तुम ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते हो, ऑनलाइन पेपर सॉल्व करते हो रेजो का, तो घर से ही करते होंगे, तो तुम उसमें भी कैलकुलेटर यूज कर लेते होंगे। बट मेरा सजेशन है कैलकुलेटर यूज करना बंद कर दो, क्योंकि जो मेन एग्जाम होगा लास्ट में जेईई मेन्स या एडवांस का, उसमें कैलकुलेटर नहीं होगा तुम्हारे पास, तो अपनी आदत मत खराब करो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ NaHCO3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, सॉरी यहां पर 2 आएगा ना क्योंकि कोफिशिएंट 2 है, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ H2O, नहीं मोल्स ऑफ क्या ले, H2O तो गिवन है तो वो तो लेना ही पड़ेगा, इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2 बाय 1। तो मैं यहां से बोल सकता हूं मोल्स ऑफ CO2 मोल्स ऑफ H2O के इक्वल है। Yes, sir. Yes, sir. Which is equal to 3, ठीक है? वो 3 के इक्वल आ गया, है ना? तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से हम लोग बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड
कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड हुआ है CO2 का? 3 × 22.4, इतना बोल सकते हैं? यस सर। चलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, मोल्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 2 × मोल्स ऑफ H2O, बोलो। हाँ सर। यहां से आ गया 6 मोल्स। तो मास मास ऑफ NaHCO3 नीडेड कितना मास हमें चाहिए होगा? तो 6 × इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, 84। यहां से आंसर आएगा 504 ग्राम, 504 ग्राम। समझ गए? यस सर। सर थोड़ा ऊपर लो ना क्वेश्चन। सर वो CO2 के मोल्स और H2O के मोल्स इज इक्वल टू 3 कैसे आए? क्या बोल रहा है? CO2 के मोल्स और H2O के मोल्स 3 कैसे निकाले आपने? मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3, इतनी बात समझ आती है? हाँ सर। सर वो 1/3 होना चाहिए। कैलकुलेशन सुधारो, कैलकुलेशन सुधारो। 1/3 क्यों होगा? 10^24 ऊपर है, नीचे 23 है, तो उसका भी तो कुछ रोल है या नहीं? हाँ सर, समझा समझा सर। अब देख यहाँ से, देख ये जो भी पूछ रहा था, मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय 1 और मोल्स ऑफ CO2, यहाँ से इक्वल दिख रहे हैं दोनों, तो जब H2 के 3 थे तो CO2 के भी 3 के इक्वल आ गए। कहाँ बात खत्म? अरे भैया कहीं ऐसा लिखाओ x, कहीं ऐसा लिखाओ x इक्वल टू y इक्वल टू z, इसका मतलब क्या होता है? x y के बराबर है, y z के बराबर है और x z के बराबर है, इसका मतलब यही तो होता है। हाँ सर, ऐसा ही करना है ना। मैथ बड़ी वीक है तुम लोग ही, मैथ्स इंप्रूव करो यार, ऐसे तो काम थोड़ी चलेगा। तुम मैथ्स पूछ रहे हो मुझसे, केमिस्ट्री का टीचर हूँ मैं। चलो अब देखो, एक तो ऐसे क्वेश्चन थे, अब कुछ कुछ क्वेश्चन सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले भी आते हैं। सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा, जैसे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ उस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। सीक्वेंशियल रिएक्शन वाले क्वेश्चन जनरली ज्यादा पूछे जाते हैं। मोल कॉन्सेप्ट का कभी भी एक्सक्लूसिव क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा, मतलब आएगा भी तो बहुत रेयर चांस है। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में यूज होगा एज ए माइनर कॉन्सेप्ट, तो मोल कॉन्सेप्ट हमें आना चाहिए। बेसिक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है एक तरह से फिजिकल केमिस्ट्री का। तो हम लोग बोलते हैं क्या, क्वेश्चन इज द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन, इज यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन व्हेन 6 मोल्स ऑफ AgNO3 are used, then how many moles of I2 are produced? ये क्वेश्चन है और इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन गिवन है वो लिख देता हूं। सीक्वेंशियल रिएक्शन है मतलब एक के बाद एक रिएक्शन गिवन होगा। इक्वेशन देखो ऐसा गिवन है, NaI plus AgNO3 gives AgI plus NaNO3, फिर नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है AgI plus Fe gives FeI2 plus Ag, नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है FeI2 plus Cl2 gives FeCl3 plus I2। मतलब इक्वेशन क्या है, पहले NaI AgNO3 में पहले NaI डाला तो AgI बना और NaNO3 बना, अब फर्दर AgI में Fe डाला तो FeI2 और Ag बना, फिर FeI2 में Cl2 डाला तो हमें फाइनली I2 मिल गया। तो हमें AgNO3 के बारे में गिवन है और I2 के बारे में पूछा है। सीक्वेंशियल रिएक्शन है, एक के बाद एक रिएक्शन हो रहा है। कैसे करेंगे इस तरह की रिएक्शन को सॉल्व? तो उसका फंडा क्या होता है, सबसे पहले इंडिविजुअल रिएक्शन को बैलेंस कर लो, अगर नहीं है तो मैं देखो बैलेंस करता हूँ।
तो सबसे पहला टास्क तो हमारा बैलेंसिंग का ही है। सबसे पहला टास्क क्या, बैलेंस कर लो। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मैं करके बताता हूँ। क्या पहला रिएक्शन बैलेंस है? यस सर। चलिए पहला रिएक्शन बैलेंस है। सेकंड वाला रिएक्शन बैलेंस है? नो नहीं है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं बैलेंस करूंगा। अभी बैलेंस है? यस यस सर। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट वन इज Fe2 प्लस Cl2 गिव्स FeCl3 प्लस I2। बैलेंस करता हूं, है ना? बैलेंस करूंगा मैं 3 2 2 2। बैलेंस है? अच्छा। इतना ही जल्दी से, इतना ही तेजी से, इतना ही फुर्ती से तुम्हें भी बैलेंस करना आना चाहिए, जैसा मैंने अपने दिमाग में कर लिया। नहीं आता तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं, सीख जाओगे टाइम के साथ। अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए। अब मैं पता है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूंगा इसे। मैंने एक क्वेश्चन में तुम्हें ऑल्टरनेट मेथड बताया था ना, ये वाला। इससे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, तो इसमें मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा। ध्यान से सुनना। चलिए मैं अलग पेन का यूज करता हूँ। हमारे को मोल्स किसका गिवन है क्वेश्चन में? AgNO3 का मोल्स हमें क्वेश्चन में गिवन है, विच इज 6। 6 मोल्स ऑफ AgNO3 गिवन एंड वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस्ड ऑफ I2। ठीक है, चलिए अब AgNO3 का 6 मोल हमें गिवन है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, AgNO3 का 6 मोल हमें गिवन है। तो 6 मोल AgNO3 का गिवन। अब हमारा फोकस किस पे होगा प्रोडक्ट में? उसी प्रोडक्ट पे फोकस होगा जो नेक्स्ट रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट है। ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा फोकस उसी प्रोडक्ट पे होगा जो नेक्स्ट रिएक्शन में रिएक्टेंट है। तो AgI और NaNO3 में से किस पे फोकस करूं मैं? AgI पे। ठीक है, अब वही ऑल्टरनेटिव मेथड, AgNO3 के 1 मोल से 1 मोल AgI बनता है। इतना क्लियर है? सर एक बार रिपीट करेंगे। कहां तक समझ आया? तो तीनों इक्वेशन का ये होने के बाद, मतलब तीनों इक्वेशन बैलेंस कर ली। ठीक है, AgNO3 के 6 मोल गिवन है और हमें पता लगाना है कि भाई I2 के कितने मोल्स निकालने। ठीक है, अब AgNO3 से पहला रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन रहे, एक AgI और एक NaNO3। हमें दोनों के ऊपर फोकस करने का जरूरत नहीं कि किसके मोल्स में निकालू। मैं उसी प्रोडक्ट के मोल्स निकालूंगा जो नेक्स्ट वाली रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है। तो देखो AgI नेक्स्ट रिएक्शन में एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा है, तो मेरा फोकस सिर्फ AgI पे होना चाहिए। तो AgNO3 का 6 मोल था। अब देखो हमें ऐसा पता है कि 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgI बनता है। ये क्लियर है? बोलो बोलो यार। 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgNO3 से 1 मोल AgI बनता है, क्योंकि दोनों का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1:1 है। हां सर। तो 6 मोल AgNO3 से कितने मोल AgI बनेगा? 6। तो AgI के कितने मोल्स आ गए? 6 मोल्स। समझ आती है इतना? यस। तो नेक्स्ट रिएक्शन में वही AgI रिएक्ट करेगा, तो यहां पर उसके कितने मोल लिखूं मैं? 6 ही लिखो, कुछ भी अपनी तरफ से मत दिमाग लगाओ। जो AgI बना है वही तो रिएक्ट कर रहा है, 6 मोल बना है तो 6 मोल ही रिएक्ट करेगा, बात खत्म। तो AgI के वापस नीचे मैंने 6 मोल लिया है। अब अगेन वापस फंडा देखो, मुझे Fe2 और Ag में से किस पे फोकस करना है? Fe2 पर। अब देखो 2 मोल AgI से 1 मोल Fe2 बनता है। यस सर। क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट AgI का 2 है, तो 2 मोल AgI से 1 मोल Fe2 बनता है। ठीक है, तो बताओ 6 मोल AgI से कितने मोल Fe2 बनेगा? 3 मोल। 3 3 मोल्स। तो ये आ गया मेरे पास 3 मोल्स। ठीक है,
अब अगेन इसको नेक्स्ट यहां पर ले आओ तो कितने मोल बना था, थ्री, तो थ्री ही मोल्स लाएंगे हम लोग, यस थ्री मोल। अब I2 पर फोकस करना है हमें, I2 तो पता लगाना है, तो देखो टू मोल एफ आई टू से टू मोल I2 बनता है, टू मोल एफ आई टू से टू मोल I2 बनता है, थ्री मोल्स एफ आई टू से कितने मोल I2 बनेगा, थ्री मोल्स। ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव मेथड से करा है, और हमेशा सीक्वेंशियल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद ऑल्टरनेटिव मेथड से ही करने का ट्राई करें। क्या सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैं तुमसे दूं? यस सर। क्वेश्चन देखो सेम ऐसा ही मैं देता हूं, बस थोड़ा सा माइनर चेंज कर देता हूं, है ना। चेंजेस क्या करूं मैं चेंज, हा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम फ्रॉम अबव गिवन रिएक्शंस, फ्रॉम अबव गिवन रिएक्शन, ऊपर वाली रिएक्शंस का यूज करना है। क्वेश्चन है हाउ मैनी, उल्टा दे रहा हूं इस बार ध्यान से सुनना, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ए जी एन ओ थ्री, नहीं इस बार उल्टा देता हूं, इस बार मैं देता हूं एन ए, हाउ मैनी मोल्स ऑफ एन ए आई रिक्वायर्ड to produce ten moles, है ना, ten moles करते हैं, ten moles of FeCl3, ये मेरा क्वेश्चन है। From above given reaction, ऊपर वाली तीन ही सारी reactions है, how many moles of Ni required to produce ten moles of FeCl3, समझ गए? बोलो अरे सुन पा रहे हो? हाँ सर। चलो करो, ट्वेंटी कौन बोला, ट्वेंटी ट्वेंटी साहिल बोल रहा है ट्वेंटी, ठीक है। आप बातों भी बताओ भैया क्या होने वाला है, 20 हाँ आराम से दो मिनट ले लो सभी लोग, अपर मुझे बताओ सर, 20 मोल्स, ठीक है। अब मैं करके बताता हूँ, इतना ही टाइम मिलेगा। पहले तो मैं जिस गिवन रिएक्शन सीक्वेंस है ना उसको मैं लिख देता हूँ, NaI plus AgNO3 gives AgI plus NaNO3, ठीक है। सेकंड रिएक्शन हमें गिवन था क्या, 2AgI plus Fe gives FeI2 plus 2Ag, थर्ड रिएक्शन हमें गिवन था 2FeI2 plus 3Cl2 gives 2FeCl3 plus 2I2, है ना। अब देखिए 10 मोल्स बनाना है हमने, क्वेश्चन क्या है, हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है 10 मोल्स ऑफ FeCl3, तो अब कौन से वाले रिएक्टेंट पे हम फोकस करो, उल्टा चलते हैं हम लोग, थर्ड रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पे जाके खत्म करेंगे, उल्टा हम लोग चलते हैं, FeCl3 वाली रिएक्शन में कौन से वाले रिएक्टेंट पे मैं फोकस करूं, FeI2 पर या Cl2 पर, FeI2, FeI2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 मोल्स FeI2 से 2 मोल FeCl3 बनता है, तो 10 मोल्स FeCl3 बनाने के लिए FeI2 कितना चाहिए होगा, 10 ही चाहिए होगा, तो ये मुझे 10 मोल्स ही चाहिए होगा, ठीक है। तो इस 10 मोल को ऊपर ले जाओ, चलिए ऊपर ले गए 10 मोल्स। अब मुझे किस पे फोकस करना पड़ेगा, एजीआई पर या एफई पर, एजीआई,
टू मोल्स AgI से वन मोल FeI2 बनता है, टू मोल्स AgI से वन मोल FeI2 बनता है, तो 10 मोल्स FeI2 बनाने के लिए AgI के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? 20 मोल्स. ओके ठीक है, ऐसे के ऐसे 20 मोल्स AgI के ऊपर ले गए. वन मोल NaI से वन मोल AgI बनता है, तो 20 मोल बनाने के लिए 20 मोल्स का रिक्वायरमेंट होगा. ये मेरा आंसर है, समझ गए? यस सर. चलिए अब मोल मोल एनालिसिस का सबसे बेसिक पार्ट हमने पढ़ा है अभी तक, है ना, जो बहुत बेसिक था. बेसिक इन द सेंस उसमें क्या था, उसमें ऐसा था कि जितने रिएक्टेंट गिवन थे वो कंप्लीटली आपस में रिएक्ट करते और खत्म हो जाते और पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाता. ठीक है, उसमें ऐसा था. अब हमारे पास एक नया फंडा है लिमिटिंग रिएजेंट का. अब हमारे पास एक नया फंडा है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट. इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि जो रिएक्शन होगी ना उसमें रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो कम होगा, ऑब्वियसली एक कम है तो दूसरा ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है दोनों इक्वल अमाउंट में है, एक कम होगा एक ज्यादा होगा, है ना. तो जो कम होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो. लिमिटिंग रिएजेंट, जो कम होगा उसको हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, सिंपल. अब लिमिटिंग रिएजेंट कैसे हम लोग निकालेंगे, उसके लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल से पहले बताता हूँ. पहले मैं एक एग्जांपल से फील दिलाता हूँ तुम्हें लिमिटिंग रिएजेंट का, देन मैं इसका डेफिनेशन वगैरह लिखूंगा. जैसे देखो, मैंने लिखा एन टू गैस प्लस थ्री एच टू गैस Gives to NH3. पहली चीज तो लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब ये रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है. लिमिटिंग हमेशा रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट थोड़ी लिमिटिंग हो, वो तो बन रहा है. लिमिटिंग मतलब कौन कम पड़ेगा, जो रिएक्टेंट है वो. तो देखो, हमेशा देखो किस रेशो में रिएक्ट करते हैं, N2 और 3H2 कंप्लीटली रिएक्शन होने के लिए किस रेशो में रिएक्ट करेंगे, 1:3. मतलब अगर इसका वन मोल होगा तो उसको रिएक्ट करने के लिए इसका 3 मोल चाहिए, अगर इसका 2 मोल्स होगा तो उसको रिएक्ट करने के लिए इसका 6 मोल चाहिए, अगर इसका 3 मोल्स होगा तो रिएक्ट करने के लिए 9 मोल चाहिए, अगर इसका 1.5 मोल्स होगा तो रिएक्ट करने के लिए इसका 4.5 मोल चाहिए, है ना. ऐसा होता है 1:3 में अगर ये रिएक्ट करते हैं तो कंप्लीटली रिएक्ट कर लेंगे, अदरवाइज कोई ना कोई तो एक लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो मैं इसमें तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, If 3 moles N2 reacts with 8 moles H2, then find LR. LR मतलब limiting reagent कौन है? Hydrogen. H2. H2 लिमिटिंग रिएजेंट है, ये समझ आ गया. 1 मोल 3 से, 2 मोल 6 से, तो 3 मोल्स कितने से रिएक्ट करेगा, 9 मोल्स. 9 मोल से, तो हम लोग बोलते हैं हियर LR इज H2. LR कौन है, H2 गैस है. क्यों, क्योंकि वो कम पड़ गया है, वो लिमिट में था इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट. इतनी बात समझ आती है, बोलो. यस सर. यस सर. अगर मैं तुमसे पूछूं मोल्स, अगर मैं तुमसे पूछूं मोल्स ऑफ LR लेफ्ट, सॉरी LR तो पूरा हो जाएगा ना, LR के तो मोल्स लेफ्ट बचेंगे नहीं, वो तो जीरो बचेंगे. मैं तुमसे पूछूं, सॉरी यार अभी नहीं पूछता, अभी पूछूंगा ज्यादा हो जाएगा. लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कैसे निकालते हैं, जो लिमिट में होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट है ना. चलिए अच्छा, yes, मैं तुमसे एक चीज बताता हूँ, एक चीज मैं तुमसे पूछता हूँ, है ना. अगर मुझे पता पड़ गया लिमिटिंग रिएजेंट H2 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा एक्सेस रिएजेंट होगा. एक लिमिटिंग रिएजेंट है तो दूसरा एक्सेस रिएजेंट होगा, जिसको हम लोग ER बोलेंगे. एक्सेस रिएजेंट कौन है, N2 गैस. लिमिटिंग रिएजेंट वो होगा जो खत्म हो जाएगा रिएक्शन में, जो खत्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्योंकि वो तो लिमिट में है, वो तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया. ठीक है, और एक्सेस रिएजेंट कौन है, जो अभी भी बचा है,
जो अभी भी बचा है, ठीक है, जो अभी भी बचा है वो एक्सिस रिएजेंट है, मतलब कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बचा है। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट के मोल्स कितने होंगे, ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट या फिर एक्सिस रिएजेंट? लिमिटिंग रिएजेंट। मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय एल आर। जो कम है ऑब्वियसली वही तो डिसाइड करेगा कितने मोल बनने, जो ज्यादा है वो तो बहुत सारा है, उसके क्या फर्क पड़ता है, प्रोडक्ट कितना भी बन जाए, जो कम है उसके अकॉर्डिंग ही तो पता चलेगा कि भाई कितना बनना चाहिए प्रोडक्ट, क्योंकि उसके मोल्स के अकॉर्डिंग ही हमें डिसाइड होगा। समझे मेरी बात? बोलो। यस सर। चलो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट होता है क्या है, व्हाट इज एलआर, एलआर है क्या, एलआर के बारे में लिखते हैं। हम लोग बोलते हैं द रिएक्टेंट, एलआर क्या होता है, एक्चुअल में एक रिएक्टेंट होता है, द रिएक्टेंट व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट, व्हिच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के अमाउंट पर एक लिमिट लगा देता है वो कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तुम डिसाइड होगे, प्रोडक्ट एंड द लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इन इन द रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये हमें पता चल गया कि भैया वो लिमिटिंग रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि वो कम होता है, वो जल्दी खत्म हो जाता है और उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट डिसाइड होता है, ठीक है। अच्छा तो बचा उसको क्या बोलेंगे, तो उसके बारे में भी लिख देते हैं, द रिमेनिंग, जो बच गया वो द रिमेनिंग और लेफ्ट आउट रिएक्टेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, एक्सिस रिएजेंट यार, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक ट्रिक होती है, एक तरीका होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जिसके हेल्प से हम लोग ईआर को पता लगा, सॉरी एलआर को पता लगाते हैं। एलआर को पता कैसे लगाया जाए, उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है, ठीक है। हाँ चलिए वो मैं पता बताता हूँ, जैसे ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे देख देख के पता लगा लेंगे, नहीं, एक टेक्निक है हमारे पास और बहुत सॉलिड टेक्निक है जिससे हम लोग पता लगाएंगे कि कैसे पता लगाएं एलआर। टेक्निक इज हाउ टू फाइंड एलआर, एलआर का अता पता कैसे लगाया जाए, ठीक है। तो यार मैं सोच रहा हूँ एक लाइन में लिख दूं, मैं ऐसा लिखता हूं कैसे पता लगाएं, डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट of that reactant. फिर हम लोग क्या लिखेंगे, the reactant having minimum value, the reactant having, आवाज आ रहा है मेरा? Yes sir. The reactant having minimum value after this division is LR, ठीक है। कैसे, हमेशा एक चीज याद रखना, मैं वापस से नोट डालकर स्टार मार्क करके लिख रहा हूं, क्या LR
मैं लिख रहा हूँ इस बात को, कलरफुल पेन से लिख देता हूँ, इसको ध्यान रखना है एल आर वाले केस में स्पेशली. एल आर विल डिसाइड, एल आर विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड. सो योर फोकस should be on LR. LR कैसे निकालेंगे, मैंने बताया कि मोल्स को डिवाइड करना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, जो वैल्यू छोटा होगा वो LR होगा. कैसे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक रिएक्शन लिखा मैंने ऐसा ही ए ए गिव्स बी बी से क्या बनता है सी सी एंड डी डी. मान लीजिए सपोज करिए इसके मोल x है और इसके मोल y है, तो हमें किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा. मान लीजिए इसके x मोल से और उसके y मोल से, तो हमें वैल्यू किसका निकालना पड़ेगा चेक करने के लिए. x by a और y by b. तो हमें x by a और y by b का वैल्यू निकालना पड़ेगा कि भाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो और x by a और y by b का वैल्यू निकालो. ठीक है, तो इसमें केस बना के लिखता हूं मैं. अगर केस वन, केस वन क्या है, इफ ऐसा होता है कि एक्स बाय ए छोटा है वाई बाय बी से, तो एल आर कौन हुआ, एल आर कौन हुआ, एक्स बाय ए. अबे एल आर ए हुआ, एक रिएक्टेंट होता है एल आर, एक्स बाय ए थोड़ी एल आर हुआ, ए हुआ ना एल आर. अगर ऐसा हुआ x by a छोटा, सॉरी x by a बड़ा आ गया, y by b छोटा आ गया, तो हमारा LR कौन हुआ, b a b. और केस थ्री जिसके बारे में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं, x by a is equal to y by b हुआ तो कोई भी नहीं होगा. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं there is no LR. There is no LR. फिर हम लोग आगे क्या बोल सकते हैं, दे ए एंड बी रिएक्ट्स कंप्लीटली, है ना, कंप्लीटली रिएक्ट करते हैं और खत्म हो जाते हैं. ठीक है, तो थर्ड वाला केस तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि दोनों रिएक्शन करते हैं और खत्म हो जाते हैं. बट LR कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लोग मोल्स को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके LR निकालेंगे. ठीक है, और ध्यान रखना LR ही मेरा प्रोडक्ट का अमाउंट डिसाइड करता है. आप क्वेश्चन करेंगे तो फंडा क्लियर होगा. चलिए मैं क्वेश्चन तुम्हें देता हूं ना, एक क्वेश्चन लिखता हूं. क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सिक्स मोल ऑफ. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ए मोल कॉन्सेप्ट में सेक्शन ए और बी डिस्कस हो गया था क्या, शायद हो गया था. बोलो. यस सर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस एट STP एंड ऑल्सो फाइंड मोल्स लेफ्ट ऑफ एक्सेस रिएजेंट. एक्सेस रिएजेंट के कितने मोल्स लेफ्ट हुए हैं वो भी हमें पता लगाने. इक्वेशन क्या है वो भी मैं लिख कर दे देता हूँ, बैलेंस वगैरह तुम कर लेना. इक्वेशन है N2CO3 plus HCl gives NaCl plus CO2 plus H2O. करो, इस क्वेश्चन में हम लोग सारे कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे. स्पार्क लगा दिया मैंने क्वेश्चन पे.
सर हाँ सर वॉल्यूम ऑफ CO2 5.6 लीटर और मोल्स लेफ्ट 4. यार आंसर मुझे पता नहीं है, अभी देखते हैं ना क्या आता है. दो मिनट. करो करो. स्क्रीन दिख रहा है? यस सर. हाँ सर. हो गया क्या? बोलो भाई कुछ तो बोलो. चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व. देखो ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस क्वेश्चन में. एक अगर मैं बैलेंस करूं तो बैलेंस करके क्या लिख सकता हूं? बैलेंस हो गया क्या? हाँ सर. चलिए बैलेंस है. ओके अब देखो इसका दिया है 6 मोल, ठीक है. इसका दिया है 4 मोल. अब दोनों में से एलआर निकालते, तो एलआर कैसे निकालेंगे? 6/1 और 4/2. छोटा कौन है? 4/2. ठीक है, छोटा है मेरा 4/2. ओके कोई प्रॉब्लम नहीं. तो यहां से मेरा एल आर कौन आ गया? एच सी एल आ गया एल आर. अब प्रोडक्ट का कुछ भी निकालना हो, प्रोडक्ट के मोल्स वॉल्यूम कुछ भी निकालना हो, हमेशा एल आर से ही निकालेंगे. तो हम लोग कैसे लिखेंगे? मोल्स ऑफ HCl डिवाइडेड बाय 2. CO2 के बारे में बात कर रहे हैं तो मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय 1. ठीक है चलिए, तो यहां से लिखते हैं मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 4/2, मतलब 2 मोल्स आ गया.
तो वॉल्यूम कितना आएगा? 44.8 लीटर. इतनी बात समझ आती है सभी को? हाँ सर. अब देखो ईआर के लिए रिएक्शन लिखते कैसे, ईआर के लिए टर्म लिखते कैसे, ईआर के लिए लिखते हम लोग, ईआर के लिए लिखते हम लोग मोल्स ऑफ एचसीएल डिवाइडेड बाय 2. ईआर के लिए क्या लिखूंगा, ईआर मेरा Na2CO3 है तो ईआर के लिए डिवाइडेड बाय 1. ईआर के लिए मैं ऐसा लिखूंगा मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड. जो मोल्स रिएक्टेड है ना उनके बारे में ही बात करूंगा यहाँ पर. टोटल 6 मोल है, पूरा रिएक्टेड नहीं है, 6 मोल टोटल है. तो मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड डिवाइडेड बाय 1. तो यहां से देखो, यहां से मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड कितना आया बताइए? 4/2, मतलब 2 मोल्स के इक्वल, ऐसा ही आया क्या? वो तो 6 था ना. अरे भाई 6 टोटल था, सारा रिएक्शन नहीं किया, यही तो यार की प्रॉपर्टी है. 6 तो टोटल था, सारा थोड़ी रिएक्ट किया है. मैंने लिखा है रिएक्टेड मोल्स ऑफ Na2CO3 रिएक्टेड, वो 2 मोल्स था. तो मोल्स ऑफ Na2CO3 लेफ्ट कितना हुआ? 4. 6-2 टोटल 6 था, 2 रिएक्ट किया तो 4 मोल मेरा बच गया. समझ गए? ऐसे लिखना लेंगे. यस सर, समझ. चलिए हमारा होमवर्क लिख लेते हैं. होमवर्क क्या है आज की क्लास का? देखो मोल कॉन्सेप्ट मैं वापस से बता देता हूँ. मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे से नोट्स को पढ़े और क्वेश्चन सारे करें, प्रैक्टिस से ही मोल कॉन्सेप्ट आएगा. हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था? सर स्कूल का टेस्ट चल रहा है तो तेरा होमवर्क कम दोगे? कमी देता हूँ मैं होमवर्क, कभी ज्यादा नहीं दिया मैंने अभी तक होमवर्क. होमवर्क है एक्सरसाइज 1 बोथ पार्ट सेक्शन सी. ठीक है, मिला जुला के 10-12 क्वेश्चन होंगे, बस कर लेना. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग. होमवर्क. हाँ बोलो सर, अगर कुछ डाउट होगा टेस्ट के पेपर के लिए तो कुछ आपको पूछ सकता हूँ? पूछो. ओके सर. ओके ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं बाद में. उम्र करके लिखे हैं. ठीक है, थैंक यू ऑल. थैंक यू सर. थैंक यू सर.